नई पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि 2004 में भाजपा सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया था। वह चाहते हैं कि भाजपा सरकार ही पुरानी पेंशन बहाल करे। ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में समस्त नेशनल पेंशन स्कीम धारी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों के सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए अभी तक सही साबित नहीं हो पाई है। ये जो सरकार ने यूपीएस लाया है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और उसी के विरोध में आज जो है कि आक्रोश मार्च के रूप में निकाल पूरे देश में निकाला जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर एक कार्यक्रम रखा गया है। हम हूबहू सिर्फ एक ही मांग है हमारी, हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, इससे अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।